यूपी के बाराबंकी के थाना रामनगर क्षेत्र रानीगंज में लाइसेंसी ठेके से देसी जहरीली शराब पीने से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। जिला आबकारी अधिकारी बाराबंकी को जिसके बाद सस्पेंड कर दिया गया है। बाराबंकी में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मंत्री जय प्रताप सिंह ने SN दुबे को सस्पेंड कर दिया है। आबकारी के 5 हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। आबकारी के 5 सिपाही भी सस्पेंड किए गए। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। DGP ने CO इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया है। CM ने मामले की जांच प्रमुख सचिव को दी है। CM मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। शासन स्तर पर भी CM कार्रवाई करेंगे। PLA न्यूज के लिए बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? धीरज सिंह। इस घटना का पूरा प्रकरण मामला क्या है? जहरीली शराब से जो देसी ठेका है उसी की दारू पी के सब लोग मृतक हुए। कितने लोग मृतक हुए? अभी तो समथिंग मीडिया सब लोग बता रहे हैं 17, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार कोई गोंडा का रहने वाला, लेकिन हम तो रिलेशन वाले वही चला रहे थे। क्या नाम है? मनीष। कहाँ पिया था? रानीगंज में पी। किस ठेके पर? देसी शराब। तो तबीयत कब गड़बड़ हुई? आज रात। ये प्रशासन की लापरवाही के चलते काफ़ी मौतें हुई हैं। प्रशासन अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कितनी मौतें हुई हैं। आपकी जानकारी में पूरी विवेचना चल रही है और मुख्यमंत्री संज्ञान ले लिए हैं। कई अधिकारी को सस्पेंड उन्होंने किया है। हम लोगों ने सुबह जो भी जानकारी थी यहाँ की पूरी मैंने मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दी थी, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और जो भी दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पुलिस के हो, चाहे आबकारी विभाग के हो, चाहे कोई अन्य हो और चाहे कोई ठेकेदार हो, ठीक है, सब जेल जाएंगे। सर अब तक कितनी मौतें की आपकी जानकारी में आया? हम लोग जानकारी 5 लोग आए हैं। अगर कोई और भी इस प्रकार की कैजुअल्टी होगी तो हम लोग उसका भी संज्ञान लेंगे। और पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।